सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइज, फाइनली मैं आप सभी लोगों के लिए हर रोज की तरह आज भी एक न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ग्लिच एंड छोटा सा गेम प्ले का वीडियो लेके आ गया हूँ। सो गाइज, आज के वीडियो हर रोज की तरह बहुत ही कमाल का होने वाला है। गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 4 टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ग्लिच का वीडियो लेके आ गया। हाँ, और एक बात गाइज, अगर आप लोग पबजी मोबाइल लाइट के गोल्डन उट्स मैप खेलते हो एंड रैंक पुश वगैरह कर रहे हो ना, तो गाइज आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। गाइज, आज के वीडियो में आप लोगों को गोल्डन उट्स का बहुत ही भयंकर ग्लिच दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग थोड़ी सी भी स्किप मत करना है, लास्ट तक देखना। हाँ, और एक बात गाइस, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेरा सेकंड चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाके सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो गाइस, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलो गाइस, पॉइंट नंबर 1 के ओर। सो गाइस, पॉइंट नंबर 1 जाती है गोल्डन उसके मेल्ट्री स्कूल पे। सो आप सभी लोगों को पता होगा मेल्ट्री स्कूल एक बहुत ही बड़ा हॉट ड्रॉप है एंड यहाँ पे बहुत सारा बंदे लेन वगैरह कर लेता है। तो गाइस, यहाँ पे आप लोगों को मैं एक सीक्रेट रूम बताऊंगा, इस वाले लोकेशन पे आप लोग खुद देख सकते हो। यहाँ पे आ जाना है एंड गाइस, यहाँ पे आने के बाद ना यहाँ पे आपको कॉर्नर पे क्राउच होकर बैठ जाना है एंड गाइस, यहाँ पे आपको यहाँ पे मतलब आप लोग हाइड हो जाएगा, मतलब आपको कोई बंदा स्पॉट वगैरह नहीं कर पाएगा एंड गाइस, बंदे आपको ढूंढ ही नहीं पाएगा। एंड यहाँ पे अगर आप लोग होल्ड वगैरह करते हो एंड आपके ऊपर अगर अंडर कोई भी बंदा आ जाता है ना, तो यहाँ से आप लोग बंदे को नॉक फिनिश इजीली से कर सकते हो। आप लोग खुद देख सकते हो गाइस, यहाँ पे अगर दो बंदा आप लोग यहाँ पे घुस के बैठे रहोगे ना, तो गाइस आपको कोई बंदा नहीं finish. मार पाएगा एंड कोई भी बंदा अगर अंदर आ जाता है ना, तो आप लोग इजीली से नॉक फिनिश कर सकते हो। सो एक बहुत ही भयंकर के लिए एक ट्रिक है एंड आप सभी लोगों को पता होगा मेल्ट्री स्कूल एक बहुत बड़ा हॉट ड्रॉप है एंड अगर आप लोग कभी आई हो एंड यहाँ पे लास्ट जोन बने तो इस ट्रिक का यूज करना। एंड चलो पॉइंट नंबर 2 के ओर। सो गाइस, पॉइंट नंबर 2 जाती है पायलट प्लेज के इस वाले लोकेशन पे। सो आप सभी लोगों को पता होगा इस वाले पेड़ के अंदर घुसने के लिए आप लोगों को व्हीकल की जरूरत पड़ जाता है, मतलब यजर दासिया बागी नहीं तो कुछ भी व्हीकल का जरूरत पड़ जाता है। बट गाइस, यहाँ से आप लोग अगर दौड़ते हुए जंप लगा देते हो ना, तो गाइस यहाँ पे आप लोग सीधा आ जाओगे, मतलब विदाउट व्हीकल पे ही आप लोग इसके अंदर आ सकते हैं। गाइस, यहाँ पे आने के बाद ना आपको बहुत ही तगड़ा एडवांटेज मिलेगा एंड मैं पहले भी बताया हुआ इस वाले गिलिस को। एंड गाइस, अगर आप लोग यहाँ पे आके होल्ड वगैरह करते हो ना, तो गाइस आपको कोई बंदा स्पॉट वगैरह नहीं कर पाएगा एंड आप सभी लोगों को पता होगा यहाँ पे बहुत बार लास्ट बनती है एंड इस वाले लोकेशन पे ना बहुत सारा बंदे आके गेम वगैरह करते हैं। गाइस, यहाँ पे अगर आप लोग फायर वगैरह कुछ भी नहीं करते हो ना, तो गाइस यहाँ पे आप लोग इजीली से होल्ड कर सकते हो एंड इजीली से लास्ट जोन तक सर्वाइव कर सकते हो। एंड गाइस, आपके नीचे अगर कोई बंदा रहेगा तो गाइस ग्रेनेड देके आप लोग इजीली से मार सकते हो। सो गाइस, ये भी एक बहुत ही ओपी ग्लिच है, कभी भी आप ये इस ग्लिच का भी यूज करना। एंड चलो पॉइंट नंबर 3 के ओर। सो गाइस, पॉइंट नंबर 3 जाती है लग्जरी हाउस पे। सो आप सभी लोगों को पता होगा गोल्डन उड्स में लग्जरी हाउस एक बहुत बड़ा हॉट ड्रॉप है एंड गाइस यहाँ का एक बहुत ही ओपी ग्लिच लेके आ गया हूँ। उसके लिए गाइस आपको इस वाले रूम पे आ जाना है लग्जरी हाउस के एंड इस वाले टेबल के ऊपर आके आपको पंच एंड जंप एक साथ करना है। सो गाइस, आप लोग अच्छे से देख लो टेबल, इस वाले टेबल के ऊपर आके आपको पंच एंड जंप एक साथ करना है। जैसे आप लोग 2-3 बार पंच एंड जंप करोगे ना गाइस, आप लोगों के साथ एक बहुत ही भयंकर ग्लिच हो जाएगा, आप लोग खुद देख लेना। यहाँ पे मैं पंच एंड जंप किया एंड बूम आप लोग खुद देख सकते हो, मैं सीधा इस वाले रूम के अंडरग्राउंड आ गया हूं एंड यहां पे आने के बाद ना गाइस आपको बहुत ही तगड़ा एडवांटेज देखने को मिलेगा। कि गाइस आप लोग आप सभी लोगों को पता होगा ये एक बहुत बड़ा हॉट ड्रॉप है, तो यहां पे बहुत सारा बंदे वगैरह भी आता है एंड यहां पे अगर आप लोग इस वाला ग्लिच का यूज कर लेते हो ना, तो बाहर के बंदे को इजीली से मार सकते हो। जैसे कि आप लोग खुद देख सकते हो मैं इस डोर को तोड़ दिया एंड गाइस अगर आप लोग इस ग्लिच का यूज कर लेते हो ना, तो बाहर के बंदे को आप इजीली से मार सकते हो एंड गाइस डैमेज भी होगा एंड बुलेट भी बाहर जाएगा। एंड गाइस इस वाला ग्लिच का एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है गाइस, आप लोग यहाँ पे क्राउच भी हो सकते हैं, आप लोग खुद देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग बैठ के भी रह सकते हैं। गाइस इस वाले ग्लिच का और एक बहुत बड़ा एडवांटेज है गाइस, आप लोग इस वाले रूम का चारों तरफ का व्यू ले सकते हो, मतलब आप लोग चारों तरफ घूम सकते हो एंड चारों तरफ के बंदे को इजीली से मार सकते हो। यहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हो गाइस, आप लोग बाहर की साइड भी आ सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो मैं बाहर का साइड आ गया एंड बाहर पे भी कोई भी बंदा अगर रहेगा ना, तो यहाँ से मैं इजीली से मार सकते हो। सो गाइस एक बहुत ही ओपी एंड बहुत ही भयंकर ग्लिच है, कहीं भी लग्जरी हाउस आई हो एंड लग्जरी हाउस पे अगर कहीं भी लास्ट जोन बने ना, तो इस ग्लिच का यूज करना एंड बंदे को सरप्राइज कर देना। एंड गाइस यहाँ से निकलने के लिए आपको सिंपल से उखड़े हो जाना है एंड दौड़ते हुए आगे की तरफ साइड जाना है, आप बाहर आ जाओगे। तो चलो पॉइंट नंबर 4 की ओर। तो गाइस पॉइंट नंबर 4 जाते हैं इस वाले लोकेशन पे, यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक ग्लिच जाती है एंड गाइस इस वाले लोकेशन को मैं बाद में आप लोगों को दिखा दूंगा एंड गाइस पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को ग्लिच दिखा रहा हूँ। इस वाले रूम के अंदर जा सकते हो आप लोग एंड ये भी एक सीक्रेट रूम भी कह सकते हो आप लोग। यहाँ पे गाइस आपको इस साइड आ जाना है, क्राउच हो जाना है, इस साइड नहीं आना है गाइस, आपको उस साइड चले जाना है, मतलब अंदर के साइड चले जाना है एंड यहाँ पे क्राउच हो जाना है एंड अपने टीममेट को बोलना है भाई डोर को ओपन एंड क्लोज करते रहो। जैसे अपने टीममेट 2-3 बार डोर को ओपन एंड क्लोज करेगी ना, आप सीधा इसके अंडरग्राउंड चले जाओगे, मतलब सीक्रेट रूम के अंदर चले जाओगी। आप लोग खुद देख सकते हो मैं यहाँ पे आ गए एंड गाइस इस वाला ग्लिच का एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है गाइस,
इस वाला गिलिच को ना आप लोग पूरे स्क्वाड कर सकते हो, मतलब आप अंदर जाने के बाद भी आप लोग यहाँ पे आ जाना है, साइड पे आ जाना, डोर के साइड पे आ जाना है, अपने टीममेट को क्राउच होने को बोलना है। एंड गाइस आप लोग अंदर से डोर को ओपन एंड क्लोज कर पाओगे। एंड गाइस जैसे आप लोग ओपन एंड क्लोज करोगे ना, अपना टीममेट भी इसके अंदर आ जाएगा। आप लोग खुद देख लेना, यहाँ पे मैं डोर को ओपन एंड क्लोज कर रहा हूँ, एंड आप लोग खुद देख सकते हो मेरे टीममेट अंदर चले आया। एंड गाइस इस वाला गिलिच को ना आप लोग फुल स्क्वाड इसके अंदर आ सकते हो, मतलब इस वाला गिलिच को करके अपने फुल स्क्वाड को इस वाले लोकेशन पे, इस वाले सिगरेट रूम के अंदर मतलब ला सकते हो। एंड गाइस यहाँ पे ना आपको बहुत ही हैवी एडवांटेज मिलेगा, आप लोग बाहर के बंदे को भी मार सकते हो। आप लोग खुद देख सकते हो मैं बाहर के बंदे को इजीली से मार दिया। सो गाइस ये बहुत ही भयंकर गिलिच है, एंड इस वाला गिलिच का बहुत ही तगड़ा एडवांटेज है। आप लोग चारों तरफ का व्यू ले सकते हो एंड चारों तरफ के बंदे को मार सकते हो। यहाँ पे देख लेना मैं तीन बंदे को इसके अंदर ले आया, मतलब हम लोग तीन इस वाले सिगरेट रूम के अंदर आ गया। सो एक बहुत ही ओपी गिलिच है एंड बहुत ही खतरनाक गिलिच है। आप लोग कभी भी यहाँ पे लैंड किए हो एंड यहाँ पे अगर कभी भी लास्ट जोन बने ना, तो इस गिलिच का यूज़ करना। एंड गाइस इस वाला गिलिच का अगर यूज़ करते हो ना, एंड गाइस अपने टीममेट को अगर दिखाते हो, मतलब रैंडम टीममेट को, तो बंदे सरप्राइज हो जाएगा भाई ये वाला ट्रिक किया तो किया कैसा। एंड गाइस लोकेशन आप लोग अच्छे से देख लो, बहुत लोकेशन है, आप लोग देख लिया होगा लोकेशन। इस बार लोकेशन पे जाते ये वाला गिलिच बहुत ही भयंकर गिलिच है। एंड कहीं भी यहाँ पे लास्ट जोन बने हैं आप लोग अगर यहाँ पे आए हो एंड यहाँ पे अगर दो तीन स्क्वाड आ गए ना, तो इस गिलिच का यूज करना एंड बंदे को सरप्राइज कर देना। एंड गाइस यहाँ से निकलने के लिए बहुत ही ईजी है, आपको आगे की साइड दौड़ते हुए जाना है, सीधा बाहर आ जाओगे। आप लोग खुद देख सकते आगे की साइड दौड़ते हुए जाना है, आप सीधा बाहर आ जाओगी। सो गाइस ये भी एक बहुत ही भयंकर गिलिच है, कभी यहाँ पे तो इस गिलिच का यूज़ करना। एंड गाइस आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत ही भयंकर क्लच। तो गाइस आप लोग अगर वीडियो यहाँ तक देख लियो एंड अभी तक अगर एक लाइक नहीं किया तो क्या ही कर लिया, एक लाइक कर देना। कि गाइस अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत ही खतरनाक क्लच। एंड वीडियो का अगर आप लोग यहाँ तक देख लियो तो लास्ट तक देखना, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। आप में से बहुत सारे बंदे इस तरह के हाउस के छत के ऊपर कैंप वगैरह करके बैठा रहता है, मुझे पता है गाइस आप में से बहुत सारे बंदे इस वाला हाउस के छत के ऊपर कैंप वगैरह करके बैठा रहता है। एंड गाइस अगर आप में से कोई बंदा ये वाला ट्रिक यूज़ करते हो ना, तो मत क्या करो गाइस, क्योंकि गाइस अब एनिमी को पता है कि इस वाले गिलिच के बारे में, इस विंडो पे आता है, हर कोई एनिमी आता है, यहाँ पे स्केटबोर्ड का यूज़ करके ना हम लोग को इजीली से मार देते हैं। यहाँ पे आप लोग खुद देख लेना, मैं खुद यूज़ कर लिया इस वाले ट्रिक को, एंड यहाँ पे देख सकते हो बंदे कैसे दौड़ते हुए इधर उधर हो रहा है। एंड गाइस अगर आप लोग छत के ऊपर कैंप वगैरह करते हो ना, तो अभी से मत क्या करो, क्योंकि गाइस आप लोग खुद देख सकते हो छत के ऊपर कैंप करने का नतीजा। यहाँ पे देखना गाइस मैं 1v2 कैसे हैंडल कर लूँगा, क्योंकि गाइस मेरा एक एम यहाँ पे हो जाता है सिंगल टैप। एंड गाइस मैं M4 से ही दो बंदे को कैसे चुकाऊंगा, आप लोग खुद देख लेना। दो बंदे मिलके मेरे टीममेट को कर देता है नॉक। अब देखना गाइस इस दो बंदे को मैं कैसे मारूंगा। एनिमी डाउन। अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो क्या ही कर रही हो, एक सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि गाइस यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा एक बहुत ही भयंकर कैंपर, मतलब TPP वाला कैंपर। आप लोग खुद देख सकते हो बंदे को यहाँ पे बहुत ही हॉट TPP लेके बैठा था। एंड इसके पास अगर S12 का रहता था ना, रहता तो मैं खत्म था। क्योंकि गाइस S12 का लेके अगर आप लोग यहाँ पे TPP लेते हो ना, तो कोई बंदा नहीं बचेगा। यहाँ पे देखना इस बंदे को मैं कैसे मारूंगा लास्ट जोन। अगर आप लोग कभी ओपन में लास्ट जोन में नहीं है एंड अगर आप लोग लास्ट जोन में हो ना, तो गाइस चारों तरफ आपको स्मोक यूज़ करना है, नहीं तो गाइस ये जो बंदा है ना, एनिमी है ना, इसके तरह आपको भी मरना पड़ेगा। आप लोग खुद देख सकते हो बंदे को इजीली से मार दिया, क्योंकि गाइस लास्ट जोन था एंड बंदे ओपन में आ गया था एंड मेरे पास बहुत ही तगड़ा एडवांटेज था, मैं बंदे को स्पॉट कर लिया था, तो मैं इजीली से मार दिया। यहाँ पे देखना गाइस 1v2 कैसे हैंडल कर लूँगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे मेरे टीममेट को कर देता है नॉक एंड दोनों बंदे को अभी देने वाला हूँ मैं शॉक। बूम बम गाइस, तुम्हारे भाई प्रो तो नहीं है बट गाइस जीरो भी नहीं है। आप लोग खुद देख लिया होगा बंदे को इजीली से मार दिया। यहाँ पे गाइस देखना दो निहत्ते बंदे को कैसे मारूंगा। अगर गाइस आप लोग स्टेडियम पे लैंड कर रहे हो एंड अगर आप लोग स्टेडियम पे लेट लैंडिंग कर देते हो ना, तो गाइस आपको स्विमिंग पूल के ऊपर ही लैंड करके प्रोन हो जाना है। जैसे गाइस ये दो बंदा स्विमिंग पूल के ऊपर लैंड किया था एंड गाइस सीधा पीछे की साइड से स्विमिंग पूल पे आ गया। एंड गाइस मैं बंदे को स्पॉट कर लिया था, अब देखना होगा इस बंदे को मैं कैसे मारूंगा। सो गाइस लंगे बंदे सीधा यहाँ पे आ जाता है। मैं गाइस पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था, अगर आप लोग लेट
वेट लर्निंग की हो तो गाइस आपको स्विमिंग पूल के ऊपर प्रोन रहना है, नहीं तो गाइस पीछे के साइड से भाग जाना है। बट गाइस ये दो बंदा गलती कर दिया था एंड गलती का नतीजा भुगतना पड़ा। यहाँ पे देखना गाइस मैं मम्मी बैले यहाँ पे दो बंदा गाइस ऊपर के स्विमिंग पूल के साइड के बंदे को मार रहा है। एंड गाइस ये दो बंदे ना बहुत ही खतरनाक नुबरा कह सकते हो आप लोग। गाइस ये दो बंदे आगे के साइड के बंदे को मार रहा था एंड गाइस इन लोगों को पता ही नहीं है कि पीछे के साइड भी बंदा है। यहाँ पे देख सकते हो बंदे कैसे पीक लेके मार रहा है एंड इन लोगों को देख सकते हैं। ये इसका जो टीममेट है ना प्रो वाले ट्रिक लगा दिया गाइस, सीधा जंप लगा देता है नीचे, जंप लगा के सीधा ऊपर के साइड आ जाता है। एंड गाइस तुम्हारे भाई के पास रहता है S12 के, अब देखना गाइस बंदे को मैं इजीली से मार दूंगा। अगर गाइस कोई भी एनिमी मुझे S12 के से मारता है ना तो गाइस दो बुलेट में मैं खत्म। बट गाइस मैं किसी भी एनिमी को मारूंगा ना तो गाइस 6 बुलेट लग जाता है, आप लोग खुद देख लिया होगा ये वाला S12 का। एंड गाइस यहाँ पे देखना तुम्हारे भाई को ओपन में मिल जाता है 2-3 बंदा एंड तुम्हारे भाई का M249 का स्प्रे देखो गाइस बहुत ही नुबरा स्प्रे। एंड यहाँ पे मेरे टीममेट के ऊपर आ जाता है बंदा S12 के लेके, अब देखो तुम्हारे भाई कैसे मारेगा। सो गाइस बूम बम आप लोग खुद देख लिया होगा नोबरे वाला क्लच। एंड गाइस आप लोगों को अगर थोड़ी सी भी पसंद आए ना तो हाथों को मत रखो, लाइक एंड सब्सक्राइब के बटन को एक साथ ठोको एंड जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दो। एंड गाइस अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी जाके कर लो।